हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप पहले से मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मस्ट हैव प्रोडक्ट्स जो समर में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास समर में होने ही चाहिए, ये हमारी नीड नहीं है बट ये हमारी हाइजीन प्लस हमारी ग्रूमिंग के लिए हमें चाहिए। कि अगर आप अपने प्रोडक्ट आपको हेल्प करेंगे आपकी ग्रूमिंग के लिए और आपकी हाइजीन के लिए तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये है मेरे पास इस तरीके का बॉक्स जिसमें मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए सनस्क्रीन, तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, हर किसी को पता होता है कि समर में विदाउट सनस्क्रीन बाहर निकलना चाहिए। आपकी जो स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, अगर आप विदाउट सनस्क्रीन बाहर जाते हो तो सन टैन आपको हो जाता है मोटे मोटे। तो बेहतर होगा आपको एक अच्छी सनस्क्रीन लगा लें ताकि आपको सन टैन से आपकी स्किन बच जाए। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए एक अच्छा सा टोनर या तो फिर फेस मिस्ट। अगर आपको कभी भी लेजी फील हो, आपकी स्किन को टायर्ड फील हो, तो आपके पास कोई अच्छा सा टोनर होना चाहिए जो आपको रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करे आपकी स्किन को। तो इसके लिए आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो, बस हल्का सा अपने फेस पे स्प्रेड कर लिया और आपको काफ़ी रिलैक्सिंग फील होगा। उसके पास हमारे पास होना चाहिए एक अच्छा सा कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि समर में मोस्टली ये होता है कि हम ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि स्वेटिंग होती है जिससे हमारी जो स्किन होती है वो और ख़राब लगती है, हमारा जो फेस है वो और ख़राब लगता है। तो बेसिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र हो गया, प्राइमर हो गया, फिर उसके बाद हम बेसिक का अपना जो कॉम्पैक्ट होता है उसे लगा देते हैं। तो कॉम्पैक्ट आपके पास हमेशा होना चाहिए ताकि आप टचअप कर सको अपनी स्किन को, अपने फेस को। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए लिप बाम। आपके जो लिप्स है वो काफ़ी ड्राई हो जाते हैं पानी की कमी के कारण। आप हाइड्रेट अगर नहीं रहोगे तो उसके लिए आपके पास हमेशा एक लिप बाम होना चाहिए आपके पॉकेट में, पॉकेट फ्रेंडली लिप बाम। उसके बाद आपके पास होना चाहिए वेट वाइप्स। ये आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो बट आपकी जो स्किन है उसके लिए, आपका जो फेस है उसके लिए अच्छे ही वेट वाइप्स लेना। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप स्वेटिंग हो रही होती है और आप बार बार फेस नहीं धो सकते हैं, अगर आप कहीं बाहर हो तो आप एक वेट वाइप्स लेके अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर सकते हो जिससे आपको फ्रेश फील होगा। तो वेट वाइप्स आपके पास होना ही चाहिए। तो आपके पास होना चाहिए एक हेयर सीरम। अगर आपके बाल आपको स्वेटी लग रहे हैं, आपके बाल आपको फ्रिजी से लग रहे हैं, तो उसके लिए एक हेयर सीरम आपके पास हमेशा होना चाहिए। वो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। हमें चाहिए एक अच्छा परफ्यूम ताकि हम अच्छा स्मेल कर सकें। समर सीजन में मोस्टली क्या होता है कि हमसे एक अजीब सी स्मेल आती है स्वेटिंग के कारण, तो उसके लिए हमें एक अच्छा स्मेल करने के लिए एक परफ्यूम हमारे पास होना ही चाहिए। पॉकेट फ्रेंडली हो तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद बारी आती है एक अच्छा सा स्टाफ। आपके पास एक अच्छा सा स्टाफ होना चाहिए ताकि आप अपने फेस को कवर कर सको। मोस्टली क्या होता है, हम सनस्क्रीन तो लगा लेते हैं लेकिन वो पूरा प्रोटेक्शन हमारे फेस को नहीं देते हैं। फिर भी अगर आप स्टाफ कैरी करते हो तो वो आपकी स्किन को, आपके फेस को सनटैन से प्रॉपर बचाएगा, प्लस आपको हेडेक का इशू नहीं होगा। क्योंकि मोस्टली अगर हम ज़्यादा धूप में जाते हैं तो हेडेक का जो होता है इसकी वजह से आप सनटैन प्लस हेडेक के इशू से बच जाओगे। तो यही थे वो प्रोडक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए कि आपके पास मस्ट हैव प्रोडक्ट्स होने चाहिए समर में जो आपको हेल्प करेंगे आपकी स्किन को हाइड्रेट प्लस हेल्दी प्लस आपको रिफ्रेशमेंट फील करवाने के लिए। कुछ प्रोडक्ट जो आपके पास होने चाहिए जैसे कि आपकी डे टू डे लाइफ में। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।